तो आ चुके हैं हम लोग कल्पा में, और यहाँ पर कितनी खूबसूरत जगह बना रखी है देख रहे हो, क्या वो प्यारा सा लग रहा है, वो घर टाइप का बना रखा है पूरा। ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है। Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. आप लोग बढ़िया हो गए, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज डे 7 है स्पीति सीरीज का, और अभी हम लोग हैं रिकोंग पियो, और ये कुछ मार्केट है इधर नीचे पूरी, और अभी हम लोग चाहेंगे ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। तो देख रहे हो अब ये मतलब पूरा कोहरा है, जो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा क्लाउडी से, पर वो कोहरा ही है जिससे माउंटेन दिख नहीं रहे थोड़े साफ से, पूरा स्नो ऊपर, जो ऊपर ये पूरा स्नो है। चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। आ चुकी हमारी मैगी, और यार पराठे वगैरह खाने का मन नहीं था, मैगी खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। अब ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी हम लोग आ गए अपने रूम में, तो रूम पर आ गए और अभी निकलते हैं यहाँ से पैकिंग करके फटाफट से, 9:30 हो गए ऑलमोस्ट, जल्दी करते हैं लेट हो गए। चलो निकलते हैं यहाँ से, 10 बज चुके हैं। अब हमें जाना है कल्पा, जो कि है 5 किलोमीटर, और फिर हमें यहीं से वापसी भी आना है। तो जय श्री काल का माँ, हर हर महादेव, जय श्री राम। निकलते हैं यहाँ से और हमें वापसी इसी रूट से आना है, क्योंकि अभी आगे जब हम जाएंगे ये खाली कल्पा तक है, तो कल्पा करने के बाद फिर हमें आगे जाना है जब शिमला के लिए, तो इसी रूट से वापसी आकर आगे जाएंगे। रिकोंग पियो बहुत अच्छी जगह है ये। तो ये देख रहे हो भाई पेड़ कितने सारे से मतलब लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ना जैसे पेड़ वगैरह लगे तो ऑक्सीजन वगैरह में दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पर, तो वैसे भी ये मतलब थोड़ा इतना नॉर्मल, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल ही है, इतना टेम्परेचर भी नहीं है नीचे जितना वहाँ था ना मनाली साइड, और उसके बाद फिर और यहाँ पे ना भाई एप्पल के बहुत वो है, मतलब गोदाम टाइप के जो होते हैं ना सेब के, बहुत सारे गोदाम हैं। एप्पल तोड़ भी लिए दीपक ने बहुत सारे, 4-5 एप्पल तोड़े हैं, तो बगीचे के ओनर से पूछ कर मतलब तोड़े हैं भाई, ऐसी नहीं हमने पूछा भैया किसके, बोला मेरे, हमने कहा दे दो भाई एप्पल हो गया, तो कह रहा ले लो जाओ, तो दीपक गया चढ़ गया पेड़ पर तोड़ के ले आया 4-5, अभी खाएँगे आपको दिखाएंगे कल्पा पहुँच कर। तो आ चुके हैं हम लोग कल्पा में, और ये देख रहे हो भाई कुछ ऐसा है कल्पा। यहाँ पे क्या है भाई घूमने के लिए, देखने के लिए, ये बकरी। हम लोग आ गए हैं भाई कल्पा, और ये दीपक लेके आया सेब तोड़ के 4-5, सब पार्टी चल रही है यहाँ पे, फ्रेश सेब है भाई ये, बिल्कुल पेड़ के टूटे हुए भी, और टेस्ट एक नंबर, मीठे बहुत हैं भाई। पाड़ी भाई देखो मेरे तो छोटे वाला है, ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं तुम छोटे भी हो ना इसलिए, हाइट में भी उम्र में भी। कैसा लगा मेरा मजाक? खाते हैं फिर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है, वैसे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं वैसे बता रहे हैं, बहुत कुछ है देख लेते हैं वैसे। तो हम लोग आ चुके हैं, ये मोनेस्ट्री है यहाँ पे कल्पा में, बट वो भी क्लोज है, क्लोज कर रखे पता नहीं क्यों यार, ऐसा है पूरे मतलब स्क्वायर में बन रखा है। कल ना बापू जी का जन्मदिन बना बना के ना सब छुट्टी पे हैं, तो पार्टी वार्टी चली होगी बापू जी के बर्थडे में, तो सब मामला सेट है। बाकी चलो निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत देख के कैसे क्या है मोनेस्ट्री, एंड यहीं तक है मतलब ये गेट ओपन है, अंदर नहीं जा सकते, तो यहीं से देख सकते जो वही यहाँ से माउंटेन का व्यू आ रहा है। चलो तो निकलते हैं यहाँ से, अब कल्पा से निकल गए हैं और अब हमें जाना है चितकुल। चितकुल इज अ लास्ट विलेज, और देखते हैं भाई कैसा है वो, अभी तो बहुत जगह है जाना बाकी है, मतलब रूट पे जो चलते रहेंगे वैसे ही धीरे धीरे स्टॉप करके देखते रहेंगे, निकलते रहेंगे।
मैं आपको बता दूं यार, हमारी ना कोशिश यही है कि हम शिमला कल पहुंच जाए, बट मुझे लगता नहीं ऐसा हो सकता है, शायद मे भी हो भी जाए, क्योंकि देखो दिक्कत पता क्या है, जैसे अभी हम कल्पा गए तो कल्पा का आगे जाने का रास्ता नहीं है, वापसी हमें यहीं आना पड़ेगा वही रूट से, मतलब वापसी रिकॉन्ग पियो, तो हमारे 10 किलोमीटर का जो रास्ता है ना वो मतलब एक तरह से बच जाता है अगर आगे जाने का वहीं से रास्ता होता, बट वो कोई रास्ता नहीं तो हमें यहीं से आना पड़ा वापसी। और ऐसे हम चितकुल जाएंगे ना तो चितकुल का भी कोई रास्ता नहीं है वापसी, मतलब वहाँ आगे जाने का, वहाँ हमें वापसी आना पड़ेगा यूटर्न लेके पूरा, तो वही हमारा किलोमीटर और टाइम भी लग जाएगा ना, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। बाकी देखते हैं हम कितनी खींच सके आज बाइक, बाकी तो देखना पड़ेगा भाई। और अभी तो मैंने बाइक ऑफ कर रखी है, देख रहे हो न्यूट्रल कर रखी है, और ढलान है ना अभी, तो दिक्कत नहीं इतनी, आराम से बात भी कर लेंगे। बाकी आप व्यू देख रहे हो भाई, पेड़ ही पेड़ बीच में और एक रोड मस्त सा, ये जो नज़ारा है ना भाई मज़ेदार। हम लोग आ चुके हैं रिकॉन्ग पियो, और ये मार्केट है, हमने यहाँ इससे लिया था। हाँ हाँ कह रहे यहीं रुक लेते हैं, होने वाला है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पे ना एक लेडी कॉन्स्टेबल थी कल, वो ना मतलब वो बहुत बढ़िया थी नेचर वाइज, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी हमारी, मतलब रूम वगैरह देखने में, तो जैसे हम ढूंढ रहे थे ना रूम मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने हेल्प करी थी और बोल रही थी कि मतलब जैसे मेरी बाइक लगी थी ना रोड पर ही हमारी, तो बोल रही थी कि ये साइड में लगा लो चलान से सेफ रहोगे, तो उन्होंने खुद ही मतलब पहले बोलते थे कि हाँ लगा लो आप, चलो ग्रीन लाइट हो गई। ये डेंजरस रोड फिर से आ गया, देख रहे हो कितना खतरनाक बना रखा है, मतलब भाई बिल्कुल ही नीचे खाई और ऊपर पहाड़ के ऊपर रास्ता, वाटरफॉल वाटरफॉल भाई, वाटरफॉल है ये। मैं रुके ही नहीं भाई, बना रहे हैं ये क्या है, मतलब देखो टेंपल की डिज़ाइन में पूरा ऐसे करके, जैसे टेंपल होता है ना ऊपर से वैसे, पर ये कुछ बना ही रहे हैं डैम में, डैम या फिर मतलब पहाड़ को रोकने के लिए इन लोगों ने बना रखा है, और तगड़ा लग रहा है देखने में, देख रहे हो भाई कितना तगड़ा लग। अच्छा ये पावर हाउस है, मतलब बिजली बनाने का, बंदे ऊपर से आते हैं क्या नीचे पूरा GSW, हाँ वही मुझे लग रहा है पावर हाउस शायद। भाई साहब क्या बना रखा है वो तेरी, आई थिंक बिजली का ही है, बाकी तो पता नहीं। चलो तो ये है करचम डैम, तो करचम होते हुए हमें चितकुल जाना पड़ेगा, तो करचम हम आ चुके हैं, और ये है करचम डैम, चितकुल का आपसे डैम पे जाना पड़ेगा चितकुल के लिए। ये है डैम करचम डैम, सांगला किल्बा पूछ रहे थे ना एक बार भैया, चितकुल के लिए कहाँ से आगे जाना ना, एक पुल आएगा लेफ्ट जाना, ठीक है आगे सीधा नहीं जाना, आगे खड़े ना अगेंस्ट है उसको लेफ्ट जाना। थैंक यू भैया, चलो जी। तो चितकुल के लिए फिर हमें यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा एक ब्रिज, भाई ब्रिज ही देखने में खतरनाक लगता है, लोहे पूरा लोहे का, ये क्या बन रहा है भाई, व्हाट इज दिस मैन। ये टनल है आई थिंक इन्हीं की है, जो बिजली हाउस ना पावर हाउस आई थिंक उसके लिए ही है।
तो उन्हीं का जाने आने जाने का रास्ता होगा शायद, पब्लिक के लिए नहीं है क्योंकि पब्लिक के लिए होता तो ओपन होता। बाकी ये चितकुल के लिए रास्ता, चितकुल के लिए ये वाला रास्ता खराब वाला रास्ता भाई, ये देख रहे हो खतरनाक। ये जरा ट्रक कैसे निकलेगा मैं सोच रहा हूँ, ये लग रहा है मैं नीचे पर है हाइट, मुझे लग रहा है भाई चितकुल पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। जब वापसी पहुँचते पहुँचते अभी भी लिटरली बता रहा हूँ 15 किलोमीटर बाकी है, इतना चल लिए हम लोग कि हालत ख़राब हो गई बाइक चलाते चलाते मेरी इस पहाड़ पे, इस रास्ते पर। तो चितकुल नहीं आ रहा भाई, चितकुल आने का नाम ही नहीं ले रहा। लक्षम लक्षम आएगा चितकुल से पहले, उसके बाद चितकुल आएगा, बट भाई लिटरली यार थक गया मैं। अब दिक्कत पता क्या है, चितकुल पहुँच भी जाए उसके बाद वापसी इसी रास्ते पर आना है पूरा, बहुत दिक्कत है रे बाबा। बाकी यार फिर भाई रात में थोड़ा ड्राइव करते नहीं है। सो फाइनली चितकुल आ चुके हैं भाई, वोरा विलेज दी लास्ट विलेज इन हिमाचल प्रदेश, ये लास्ट गांव है हिमाचल प्रदेश का इतनी ऊंचाई पे जो है। आई लव हिंट विलेज चितकुल, ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है। जाना किधर है हमें? तो अभी हमने लोगों से पूछा यहाँ के, तो मतलब हमने पूछा क्या क्या है घूमने लायक, तो उन्होंने बोला यहाँ पे रिवर एरिया है, मोनेस्ट्री है बस, और मार्केट है, और आगे बॉर्डर है, बट बॉर्डर से पहले ही बेरियर लगा रखे होते हैं ITBP वाले, तो वो जाने नहीं देते किसी को। बाकी चलते हैं देखते हैं क्या क्या है भाई। तो मोनेस्ट्री तो यार गांव में ही रह गई, विलेज में बता रहे थे मोनेस्ट्री, पर आगे ना बॉर्डर है तो वो देखने चलते हैं पहले बॉर्डर। ITBP वाले होंगे वहाँ पे, देखते हैं भाई पहली बार बॉर्डर भी देख लेंगे यार, फर्स्ट टाइम मैं तो फर्स्ट टाइम ही देखूँगा तो कैसा होता है ये भी पता लग जाएगा ना। चलो चलते हैं फिर, बॉर्डर दिखा के लाते हैं आपको। ये बॉर्डर भाई, चलो भाई। तो बॉर्डर भी मतलब बॉर्डर से बहुत पहले ही इन्होंने लगा रखा है बैरियर ताकि मतलब अंदर एंट्री नहीं है किसी की भी, बट फिर भी चलो देख ही लिया बॉर्डर ही समझ लो इसे कि चलते हैं विलेज में। व्यू देख रहे हो भाई पूरा ग्रीन ग्रीन पहाड़ उधर अलग है थोड़ा सा, ये मस्त मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोनेस्ट्री, चलते हैं देखते हैं कैसी है, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से भी। तो भाई अभी तो थोड़ा चढ़ाई है ना, बोला नहीं जा रहा, चलते हैं। तो ये है देवी माता का मंदिर, यहाँ पे देवी माता का मंदिर का बोला जाता है। तो ये है एंट्रेंस, मंदिर क्लोज है अभी, और ये मतलब देवी माता का मंदिर मतलब दुर्गा स्वरूप देवी माता का मंदिर है, और बाकी अभी चलते हैं मोनेस्ट्री। तो वो है मोनेस्ट्री, तो ये नीचे ये माउंटेन से पानी आ रहा है, इतनी तेज फ्लो कर रहा है, देखो। चलते हैं मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री भी क्लोज है पता नहीं क्यों, हम जा रहे हैं यहाँ से वापसी नीचे, दीपक वेट कर रहा होगा हमारा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई कुछ खाने के लिए, और मोमो चाउमीन और ये गार्लिक ब्रेड, यहाँ पे सिद्धू बोलते हैं, चलो खा लेते हैं कि ना खाना मतलब रोटी वगैरह यहाँ पे नहीं है तो इसलिए यही लेनी पड़ी, बाकी निकलते हैं खाते। तो अभी ना 4 बजे हैं और हम 4 बजे निकल चुके हैं यहाँ से, अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं, ये डिपेंड करता है कहाँ तक पहुँचते हैं भाई,
बाकी देखते भाई आगे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे, क्योंकि वो जो लास्ट बाइकर सॉरी लास्ट विलेज वगैरह का बोर्ड लगा हुआ है ना। चलो भाई हम भी फ़ोटो वोटो खिंचवा लेते हैं यहाँ पे। चलो जी फ़ोटो वगैरह करा के निकल गए हैं यहाँ से। देखो आने में ना टाइम लगा था, मैं ऊपर नीचे जाने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा मेरे हिसाब से 35-40 किलोमीटर अराउंड होगा, अराउंड हम अभी चले हैं 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हम चले हैं चितकुल से। और ये देखो यहाँ पे ना रास्ते में महादेव जी का मंदिर आता है, देखो बिल्कुल पहाड़ के नीचे बिल्कुल देख रहे हो, ये है शेरावाली माँ का है। जय हो जय हो जय हो, तो पंडित जी भी बैठे हैं इधर। सो आज हम लोग करचम डैम, और ये हम मतलब चिटकुल से ना 2 घंटे में आ पाए नीचे, यहाँ अराउंड वही 40 किलोमीटर होगा, 39-40 किलोमीटर है टोटल, और वह 2 आवर्स लग गए बस। ये ऊपर जाने में बहुत टाइम लगा होगा, फिर तो फिर भी हम जल्दी नीचे तो जल्दी आ गए, ऑब्वियसली मतलब नीचे जल्दी आ ही जाएंगे क्योंकि ढलान है, तो फिर पर फिर भी लोड बहुत ख़राब है ना तो दिक्कत होती है बहुत। अब हमें शिमला के लिए लेना है राइट, कोशिश कर रहे हैं कि जितना खींचे उतना खींचेंगे, बाकी देखते हैं कितना मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, बाकी देख लेते हैं यार कितना, भाई भाई को बड़ी डिपेंड करता है यार। मैं तो मतलब 10 बजे तक को ड्राइव कर दूँगा कोई दिक्कत नहीं, पर भाई एक्चुअली उनके ना चश्मा है ना तो रिफ्लेक्शन पड़ती है लाइट की, तो दिक्कत होती है उन्हें चलाने, बाकी देखते हैं। रोड देख रहे हो, रोड एकदम मक्खन है भाई, और इधर ना सारा इंडियन आर्मी का वो है जो कैंप वगैरह है सारा पूरा, और मस्त रोड बना रखा है, ऐसा लग रहा है आउट ऑफ कंट्री में है हम लोग, इंडिया में नहीं हो राइट। तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, देख लो किस क्या ही रोड है भाई, कुछ भी कहो मक्खन रोड है एकदम। कैसे एक बार और बता दे, चलो जल्दी बता दे, एक बार और बता दे बस मेरे लिए, कैसे कैसे चलती है इनकी गाड़ी, खिंचेगी नहीं कैसे। तो गाइज तो भाई चढ़ाई में जब गाड़ी चलाता था दीपक करके बता रहे कैसे चढ़ते हैं, दीपक कैसे, दीपक ने बता दिया अभी, वैसे दोबारा नहीं बताएगा अभी, हाँ फुटेज मेरे पे भी है। तो चलो गाइज अपनी देख लो रेड डेविल कैसे लग रही है, कार लाइट जलती है तहलका मचा रही है रोड पे, रोड पे निकल रही है शू बंदे देख रहे हो भाई। चलो भाई अभी हम थोड़ा सा रुके थे क्योंकि भाई के जरा बाकी, अब ओके अब हम रहे रामपुर तक खींच देंगे, उससे आगे भी खींच देंगे नारकंडा तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस भाई की आंखों में दिक्कत है थोड़ी सी। फ्यूल तो फुल है, तुम्हारा कितना है, मेरा तो फुल है, मेरा तो फुल है, ख़त्म ही नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। चलो भाई चलो, आ जाओ लेट्स गो। चलो फ्यूल डलवा लेते हैं अभी, भाई के मैं 6 लीटर तो यहीं आ गए भैया। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू यार, कितने अच्छे हो आप यार, देख के आराम। चलो भाई तो 1036 रुपये का फ्यूल डलवा के दोनों में निकल गए हैं रामपुर के लिए, करेंगे 70 किलोमीटर है यहाँ से, और टाइम ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके हैं अभी ना। यहाँ पे ना JCB वगैरह चल रही है क्योंकि लैंड हुई है, ये देख लो कि कोई एक तरफ का रास्ता चल रहा है एक तरफ का रोक दे रहे, देख लो एक तरफ अब गाड़ी रोक दी। तो भाई यहाँ ना दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा,
कोई गाड़ी नहीं दिख रही दूर दूर तो, बहुत देर देर बाद तो गाड़ी आ रही है। ऊपर से रास्ता देखो, दिख रहा है? आई होप आपको दिख रहा हो। इतने अंधेरे में गोपुर इतना वर्क नहीं करता अच्छे से। देखो देख रहे हो भाई, मतलब रास्ते इतने डेंजरस हैं, रात में तो और डेंजरस लगता है भाई। देख रहे हो, कोई नहीं है दूर दूर, मैं और खाली अरविंद भाई बस। यानी अरविंद भाई कहाँ रह जा रहे हैं हमारे और पीछे यार, हम आराम आराम से चल रहे हैं भाई। कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात ना, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। वैसे भी अभी 7 ही बजने वाले होंगे, 7 बज गए होंगे, मतलब अभी ज़्यादा 7:15 ही होंगे, वैसे ज़्यादा नहीं हुए। ये कौन सा शहर है, देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। लाइटिंग देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है माउंटेन पर। भाई अभी टोटल ना 26 किलोमीटर रह गया है रामपुर। बस ये बाइक चलाने मज़ा आ रहा है, बट बाइक हम आराम से चला रहे हैं, बताइए आपको। अरविंद भाई हमारे आराम से चलते, तो हम भी उनके पीछे आराम से चल रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है, बट वो जो भी शहर है या जो भी जगह का नाम है पता नहीं है, वहीं जाके देखते हैं। पर एकदम मस्त लाइटिंग वगैरह लग रही है, देखो क्या ही प्यारा लग रहा है। जैसे वैष्णो देवी में लगते हैं ना रात में पहाड़ वगैरह पर लाइटिंग जल के, वैसी रामपुर है 23। बट बाइक पहले अगर जो किलोमीटर दिखा रहे थे उसके हिसाब से 26 होना चाहिए, कोई नहीं, बट चलो 23 सही, हमें क्या करना। यहाँ 24 हो गया, देखो बढ़ता घटता रहता है। चलो लीजिए आ गए अरे शहर रामपुर में। और भाई इस तरह हालत हो गई ना बहुत बुरी तरह, शोल्डर दर्द करने लगे अब तो बाइक चला चला के। देखते हैं मार्केट कहाँ है, रूम वगैरह लेते हैं, स्टे वगैरह। तो हमने ले लिया अभी रूम, और रूम की हालत कुछ इस तरह से, अभी सामान वगैरह सब रख दिया है ऐसी, और अभी चल रहे हैं मार्केट खाना खाने, क्योंकि 9:30 हो गए हैं और जल्दी मार्केट बंद हो जाएगी, चलते हैं जल्दी से। ये मार्केट है भाई पूरी, वैसे तो क्लोज हो ही चुकी है ऑलमोस्ट सारी, बाकी देखते हैं अभी चलते हैं कुछ देखते हैं मिल जाए खाने के लिए। तो एक रेस्टोरेंट भाई खुला हुआ मिला है, होटल ढाबा आते हो, यहाँ पे आके बैठे भी खाना ऑर्डर दे दिया है। ये अपना खाना सैलेड, तो थाली है 100 रुपये थाली है, बोलते फुल रोटी चावल और खाते रहो, पड़ोसियों को भी खिलाओ। चलो खा लेते हैं फिर चलेंगे रूम पे अपने सोने के लिए। तो खाना खा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई रामलीला देखने, रामलीला हो रही है आगे रोड पर, चलो दिखाता हूँ आपको भी। तो रामलीला ख़त्म हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर। और भाई ये मार्केट ना बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया यार, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही बेकार थी, बेकार से पता नहीं कैसी दुकान वगैरह सब ऐसी है, बट कोई नहीं चलो चलते अपने रूम गए। तो आज के ब्लॉग के यहीं रखते हैं, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल पर जो भी नए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तो गुड बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।